नमस्कार एरिज, एरिज यानी मेष राशि, मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस एन टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की थ्री कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 11 से लेकर 18 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरिज आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। एरिज जो आपके जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें नए सिरे से यानी कि इस रिश्ते में नादानी कहें या बचपना कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अगर इसमें एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो जाती है, जंप ना लगाते हुए सोच समझकर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो जाती है तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से नेम और फेम मिल सकता है। सूरज की तरह घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो एरिज आप ऐसा अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। तो एरिज आप महसूस कर रहे हैं कि जो ये अननोन फियर हैं, जो डरावने सपने हैं, जिससे आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई एंजाइटी स्ट्रेस वो उन्हें एंजाइटी स्ट्रेस है जो वो उन्हें दे रहे हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, जो ये अननोन फियर है, जो ये डरावने सपने हैं, उससे बाहर निकलते हुए अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, बजाय के तीसरे पर्सन की, बाहर वाले पर्सन की बात मानने की, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में बातें करते हैं, तो जो क्लैरिटी है, जो क्लियर कट कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ने में मदद करेगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो सकती है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि ये जो अननोन फियर हैं ये खुद के बनाए हुए हैं, तो आप इन सपनों से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, एक आमने सामने बातें हो जाती हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं या आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पॉन्ड्स। आप अपने पर्सन के लिए के साथ अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे वो पैशन के साथ, जुनून के साथ अपने काम करें, कुछ भी करते रहें, लेकिन इस आप चाहते हैं कि क्योंकि आप अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी उन्हें प्यार करते हैं, आपको महसूस होता है बार बार कि जो आपके पर्सन हैं उनका जो काम करने का अंदाज है वो बहुत अनोखा है। जिस भी काम को करते हैं वो बहुत अच्छे तरह से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। तो आप इस रिश्ते को एक नए सिरे से, एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, आपकी खुलकर उनसे बातें करना चाहते हैं और इस एंजाइटी स्ट्रेस को, प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो एरिज आप अपने पर्सन के लिए बार बार महसूस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं, जो भी ये इस रिश्ते, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही
पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, कई ग्रह नक्षत्र के कारण है या फिर जो है जो सेवन चक्राज हैं उनकी वजह से जो भी दिक्कतें इसमें आ रही हैं, चाहे कुछ भी कारण रहा है, लेकिन जो नेगेटिविटी है आप चाहते हैं कि इसमें उनके जो पर्सन है कोई भी जगल ना करे, जगलिंग फेज में ना रहें, समय रहते डिसाइड करें या फिर आप डिसाइड करना चाहते हैं। आपको एक तरफा लग रहा है कि उन इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी भी पनौती बाधाएं दिक्कतें हैं, आपके पर्सन या आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है जिसकी वजह से रिश्ता खराब और बर्बाद हुआ है। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन का वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो और धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट बन जाए। तो अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं जेमिनी एरिस, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो और ये पनौती बाधाएं दिक्कतें सारी ख़त्म हो और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार हो ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके, क्योंकि आप काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए। तो हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपसे ऐसा महसूस कर रहे हों क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं एरिस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, एरिस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरिस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए, इस रिश्ते को हैप्पी बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हो और ये रिश्ता जो है प्रैक्टिकल बने और फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो एरिस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस चल रहा है, तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, एंजाइटी स्ट्रेस है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और आप अपने पर्सन से ये भी चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेलें, कोई मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि क्योंकि इस रिश्ते में ये जो है वो चाहते हैं कि उनके पर्सन अगर उनके साथ कोई भी माइंड गेम खेलेंगे, कोई भी उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो चाहे भले ही वो उनका ईगो जीत जाए लोग, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि वो जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चल रहा है, एंजाइटी फाइट्स है, ड्रामा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म करें और नए सिरे से एक बिगिनिंग एक शुरुआत करें और नए सिरे से इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहें, ताकि जो भी परेशानी रही है, जो लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, जिससे मन दुखा है, दिल दुखा है, ये सारी भावनाएं उनके अंदर से ख़त्म हो जाएं और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करें और उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो आप इंसान हार जाएंगे और आगे रिश्ता बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरिस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। एरिस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो यूनिवर्स जो उन्हें आइडियाज दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि
वाक्य बार बार साथ नहीं देता। ये समय का पहिया है जो फिर से घूम सकता है, क्योंकि जो समय अब उनका उनके फेवर में आ रहा है, दोबारा से फिर से परेशानी तकलीफ बढ़ सकती हैं। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि समय रहते उनके लिए सिकवे को ख़त्म करते हुए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, या फिर जो लस्ट, जो एडिक्शन, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक दूसरे के साथ इस समय को यूटिलाइज करें, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करें, ताकि जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़े। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो हमारे पास द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स आया है। तो एरिज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इस समय का सदुपयोग करें। जो आपके पर्सन है उन्हें इस समय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। आप चाह कर भी इस नेगेटिविटी को भूल नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। आपको बार बार महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में लड़ाई है, झगड़ा है, वाद विवाद है। हो सकता है कि पहले इस रिश्ते में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति अकेलापन महसूस करें, हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से इसमें बिगिनिंग शुरुआत करेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ समय को समय देंगे, तो धीरे धीरे करके भाग्य भी आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। जो लड़ाई झगड़ा, जो अकेलापन है, जो वाद विवाद है, उन परेशानियों से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से एक जो बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, वो उसके ज़रिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और इसमें भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, यूनिवर्स ही आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि अगर उनके पर्सन नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, वो इस रिश्ते में प्यार को देखना ही नहीं चाहते, लड़ाई और झगड़े को ही अहमियत दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्क पर लटका कर ना रखें, अदर में ना रखें, वो इससे डाइवोर्स लें और इस रिश्ते से बाहर निकलें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एरिस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एम्प्रेस, ये रिश्ता क्रिएटिव हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं, अगर इसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और इस रिश्ते को, ये रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, या इस रिश्ते में सारी खुशियां वापस आती दिखाई दे रही हैं। या तो एरिज आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो उनके पर्सन आगे बढ़ने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों ने ही डिसाइड किया है कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए वे नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, गॉर्जियस बनाएंगे। तो 12 की 12 राशियाँ इसमें साथ देने वाली हैं और ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे पर कंट्रोल किया जा रहा था, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, जो भी इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगकर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा रही है, एक दूसरे से माफ़ी मांगी जा रही है और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को फॉरगिव करते हुए, गले से लगाते हुए, अगर एक दूसरे को माफ़ करते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तर्क वितर्क नहीं करते और नए सिरे एक यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक अगर आगे बढ़ते हैं तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं और ये रिश्ता क्रिएटिव बन सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि दोनों को दिल और दिमाग से काम लेते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो दिली तमन्ना वो तभी पूरी होगी जब आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे और इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, गॉर्जियस बनाएंगे। और 12 की 12 राशियां इसमें आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद देंगी। तो देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, एरिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, जस्टिस, यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप अपने आप को, खुद को स्टेबल कीजिए। अपने जो आपके अंदर डर है, जो परेशानी में है आप, कि आप यहाँ बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, कभी फिर आपके साथ कुछ घटित ना हो जाए, तो उस डर से, उस भय से आप बाहर निकलिए। खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए रेडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए। तभी फ़िलहाल के लिए आपको चाहिए कि इस रिश्ते से, इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी, इस दुविधा से आपको लेट गो कर देना चाहिए। इन चीज़ों से आपको, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आपको पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो आप के घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कुछ भी है। तो उन नेगेटिविटी को, उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको अलविदा कीजिए, तभी आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय ये रिश्ता होगा। एक दूसरे से अगर आप माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, डिसाइड करेंगे कि आगे एक दूसरे के साथ कोई भी जो है प्रेस, कोई भी एक दूसरे के की भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा, तो तभी, क्योंकि अगर कोई एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेगा तो यूनिवर्स ही बैकफायर जरूर करेंगे, तो तभी ये रिश्ता न्यायप्रिय, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, और तभी उन चीज़ों से लेट गो करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, ताकि न्यायप्रिय रिश्ता हो सके, जस्टिस मिल सके और आप एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाए। जो भी यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आज तक आपने गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को दोबारा मत दोहराइए, कम से कम अभी उन कामों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, तो तभी आपको आगे बढ़ना है। यानी कि समय को अभी तभी आपको जस्टिस मिलेगा जब आप नेगेटिविटी को छोड़ेंगे और अपने आप को स्टेबल मानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।